नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सौजन्य भेंट की। विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसी के चलते मोहन मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। ऐसा कोई सामान्य शिष्टाचार में माननीय राज्यपाल जी का बहुत दिनों से आना की इच्छा थी और उसी में हम आए थे और कुछ खास बात सर, कुछ चर्चा जनहित के मुद्दों से लेकर या नहीं? नहीं, ऐसे कटसी में मुलाकात आई सर। विधानसभा सत्र को लेकर तो है ही ऑलरेडी सर, बजट को लेके कोई नहीं? ऐसा नहीं, सामान्य सब शिष्टाचार मुलाकात सर। आपके राज में सब सामान्य? सब सामान्य। महाकाल लोक बनने के बाद और सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर सदावल में हेलीपैड बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इससे सिंहस्थ और महाकाल मंदिर पहुंचने वाले वीवीआईपियों को काफी सुविधा मिलेगी। करीब 6 एकड़ जमीन पर हेलीपैड बनाया जाना है। एक समय में 3 हेलीकॉप्टर उतारने का प्लान तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार करके शासन को भेजी जाएगी। अभी प्रारंभिक रूप से हेलीपैड की तैयारियां शुरू की गई हैं। एक 3 टारमैक का हेलीपैड प्रपोज किया जा रहा है, जिसमें कि बड़े जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी उतर सकें। इसके लिए सदावल के पास लैंड आइडेंटिफाई की जा रही है और शासन को प्रस्ताव बना करके पूरा डीपीआर भेजी जा रही है। स्वीकृति प्राप्त होने पर उसमें कार्य किया जाएगा। सर, ये जो हेलीपैड अलग बनना है और एयरस्ट्रिप अलग बनना है क्या? हेलीपैड शहर में है, जैसे मैंने बताया, जो लैंड अभी बताई, और एयर स्ट्रिप के एक्सपेंशन को लेकर के जो प्लान्स चल रहे हैं वो एविएशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी उस पर तैयारी कर रहा है, और एक बार उसकी डीपीआर तैयार होकर के सैंक्शन शासन से हो जाता है तो उस पर भी कार्य प्रारंभ होगा। कहाँ पर बनना है एयर स्ट्रिप? दताना पे ही एक्सटेंड होनी है। जान थाना में थाना प्रभारी राकेश बघेल का स्थानांतरण हुआ है, साथ ही नई थाना प्रभारी एकता सोनी का स्वागत किया गया है। इस परिवर्तन पर स्थानीय प्रशासन ने इसे एक आवश्यक नए दृष्टिकोण और प्रशासनिक निर्णय के रूप में बताया है। नई थाना प्रभारी एकता सोनी अपने प्रशासनिक कुशलता और सामाजिक योजनाओं में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। स्वर्गीय कृष्णा शर्मा की 7वीं पुण्यतिथि पर नेवत कृष्णा सम्मान और विशाल नेत्र शिविर का आयोजन राजगढ़ के मंगल भवन परिसर में संपन्न हुआ। नेत्र शिविर में 716 मरीजों ने पंजीयन कराया, वहीं उनकी आंखों की जांच की गई और निःशुल्क दवाइयां दी गई। 156 से ज्यादा मरीजों को मौके पर ही ऑपरेशन हेतु भर्ती करके 3 वाहन से निशुल्क आनंदपुर ट्रस्ट ले जाया गया। उज्जैन के नरवर थाना क्षेत्र के गांव पिपलोदा में एक आरोपी ने मकान बनाने के लिए रुपए और दूसरे आरोपी ने उधारी चुकाने को लेकर पति पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा आरोपी के साथ छोड़े गए रुपए और रकम जब्त किए गए हैं। वहीं आरोपियों द्वारा हत्या करने में प्रयुक्त चाकू और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। पिपलोदा द्वारका दीस गांव में विगत 26-27 की दरमियानी रात जो घटनाक्रम हुआ था, उस संबंध में कल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनके घटना के बारे में जानकारी दी थी। पूरे घटनाक्रम को वेरीफाई किया गया है, इन आरोपी गणों को अरेस्ट किया गया है। इनके घटना में जो आला जरब यूज़ किए हैं, वेपन आदि यूज़ किए हैं, वो जब्त किए गए हैं, और जो घटना स्थल से इनके द्वारा मशरू का उठाया गया था, उस मशरू के को जो है रिकवर किया गया है। कौन मेन आरोपी है सर इसमें? जो इसमें आरिफ और अलवेश, जो पूछताछ में प्राइमा फेसी बातें सामने आई हैं, इनको पैसे की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने आपस में जो है प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया। तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाने के लिए भारत द्वारा सहयोग किए जाने की मांग को लेकर तिब्बत के 2 सांसद श्रुति तेंजिन चोयजिन और त्वेन गेशे नगापा ने इंदौर में मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने भारत द्वारा तिब्बत के लिए दिए जा रहे सहयोग की खुलकर सराहना की। साथ ही चीन द्वारा तिब्बत में जबरन अतिक्रमण और अत्याचार किए जाने के आरोप भी लगाए। हाँ जी, आप बहुत सही बताए,
चीन ने हमेशा से ही भारत की सहनशीलता को चुनौती दी है और बार बार वो जो है सीमा पे तनाव जोरों शोरों से वहाँ पर वो करना सब कुछ तो उनका पेशा रहा है। और खास अब आजकल बात भी आ रहा है कि वो नाम ही बदल रहा है तिब्बत का नाम। नवंबर में भी हमें सुनने को मिला कि वाइट पेपर पे तिब्बत का नाम जो सीजांग बना दिया, अब उनका है कि दादागिरी करना है और सबको मैन्युपुलेट करके सब कुछ अपना जो चाहिए अपने फेवर में लाना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि भारत अगर तिब्बत की सीमा, तिब्बत और भारत की सीमा को एक मान्यता दे, इतिहास में तिब्बत जो है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, मान्य उसकी रिकग्निशन दे, तो उससे बहुत ही बदलाव आ सकते हैं, ये मैं मानती हूँ, ये हम मानते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।